आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत शोर आएगा, बगल में पता नहीं क्या बना रहे हैं, हो सकता है आए खट पट पट की आवाज़। तो भाई चाइना जो है उसने दूसरा ब्रिज बना लिया है, बना रहा है, इनफैक्ट बना लिया नहीं है, पहला ब्रिज बना लिया, अब दूसरा ब्रिज भी बना रहा है। चाइना की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही, जहाँ पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, और एक तरीके से अभी कोविड से उभर ही नहीं पाए हैं। चाइना में भी अगर आप देखो तो जीरो कोविड स्ट्रैटेजी जो है फेल हो गई, लोग परेशान हो रहे हैं। भाई ये ना, ये लग रहा है कि कहीं चाइना में ही विद्रोह ना हो जाए, लेकिन इधर चाइना बदतमीजी पे बदतमीजी करता जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भाई सेकेंड ब्रिज बना रहा है, हालांकि ये जो ब्रिज है ये डिस्प्यूटेड है, पंगोंग सो के अपने एरिया पे बना रहा है भाई 135 किलोमीटर के लिए, क्या आपको पता ही है। तो ये कह रहा है कि पंगोंग सो के हम अपने एरिया पे बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो डिस्प्यूटेड है, वो किसी का नहीं, वो इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है चाइना ने। और बात यहां पे इलीगल मतलब इसकी हुई है, लीगल की हुई है। तो भाई हमारा जो पॉलिटी का कोर्स है वो आपको सब बताएगा कि लीगल क्या होता है, संविधान क्या होता है, सब कुछ। एनसीईआरटी 1 जून से क्लासेस शुरू होंगी, मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लासेस चलेंगी। अभी इसी वक्त इन कोर्स को अवेल करें, और अगर हम अपना यूपीएससी लेना चाहते हैं तो जिन्होंने यूपीएससी लिया है उनको तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उनको मिलेगा इसमें। तो अभी इसी वक्त कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो चाइना जो है वो एक और ब्रिज बना रहा है पंगोंग सो लेक पे। तो अब दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ये लगातार दूसरा ब्रिज है। अब आप समझिए कि ये वाला जो ब्रिज है ना, ये ज्यादा बड़ा है, हालांकि ये जो पहला ब्रिज बना है ना उसके पैरेलली बना हुआ है, लेकिन ये वाला ब्रिज जो है वो ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट आर्मर्ड कॉलम्स भी इसमें आसानी से आ सकते हैं, टैंक वैंक भी आप ले जा सकते हैं, ये इतना बड़ा बना रहा है। तो क्या चाइना वाकई में भारत पर हमला करने की फिराक में है? देखिए चाइना का पैटर्न, आप पहले डोकलाम हुआ, 2 साल उसने रेस्ट लिया, फिर उसने 1 साल, 2 साल भी नहीं, 1 साल उसने रेस्ट लिया, फिर उसने हमला किया पंगोंग सो पे, फिर बदतमीजी की, फिर भारत ने चाइना को मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा, पीछे हटा वो गलवान घाटी के बाद, लेकिन फिर वो बदतमीजियां कर रहा है। इस पूरे के पूरे एरिया को समझिए चाइना ने छावनी में तब्दील कर दिया है, इतनी ज्यादा मिलिट्री तैनाती किया। भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, भारत भी यहां पर रोड्स बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रही है, प्रोजेक्ट वर्तक के तहत भाई नॉर्थ ईस्ट साइड पे भी काफी शानदार काम चल रहा है, कली सेला टनल की मैंने बात की थी, ठीक है। तो ये जो दूसरा ब्रिज है, ये समझिए कि मतलब पहला ब्रिज तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा ब्रिज पे काम शुरू हो गया है। अब फर्स्ट ब्रिज जो है ये क्या, जैसे देखिए पहला ब्रिज थोड़ा छोटा था और जो क्रेन्स है यही से आ रही है, मतलब बहुत ही सोची समझी साजिश के साथ चाइना आगे बढ़ा है। सेकेंड ब्रिज ज्यादा बड़ा है, पहला ब्रिज जो है वो मिलिट्री के मूवमेंट के लिए सही नहीं था, कि अगर बड़े बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स है तो शायद नहीं जा पाए, लेकिन पहला ब्रिज इन्होंने बनाया था दूसरे ब्रिज को बनाने के लिए, ताकि यहां पे क्रेन्स हो गई या जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया वो सब आ जाए और हम दूसरे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सके। सैटेलाइट इमेज में ये साफ साफ सामने आ गया है, तो पहले हम सैटेलाइट इमेज पे ही आते हैं। ये आप देख ही सकते हो, ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो हमको दिख रहा है, और भारत ने इस पर कड़ी निंदा की है कि भाई ये क्या कर रहे हो यार, ये तो बहुत ही पूरा डिस्प्यूटेड है। फर्स्ट ब्रिज पे भी उन्होंने की थे जब ये हुआ था, ये फिंगर 4-5 आपको पता ही है ना कि टोटल 8 से 9 फिंगर्स हैं, जो पहाड़ियां हैं ना उनको फिंगर कहते हैं, तो फिंगर 4-5 में ही तो प्रॉब्लम थी ना, फिंगर 4-5 के इधर ये हमारा एरिया है, लेकिन चाइना इधर भी पेट्रोलिंग करने लगा था, जिसकी वजह से भारत का दिमाग खराब हो गया था और भारत ने बोला अब आके दिखाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो यही जो लोकेशन फिंगर 4-5 है जिसपे सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, यहां पे ही चाइना ने ब्रिज बना दिया है, ठीक है। तो यह चीज है। अब इसमें मैंने काफी लेक्चर्स किए भाई, आपको बताइए चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट पे ढेरों लेक्चर्स मैंने किए हुए पंगोंग सो पे, आप देख सकते हैं। तो जब रिपोर्ट आई भाई कि पहला ब्रिज जो है, अब पहला ब्रिज नॉर्थ और साउथ बैंक को कनेक्ट करता है भाई, नॉर्थ साइड में चाइना की पूरी मिलिट्री तैनात है, इधर रोहतक पास है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक है, तो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता है। आप समझ रहे हैं ये गैप्स को फिल कर रहा है, कितनी बड़ी बात है ये। और ब्रिज भी इन्होंने ऐसा वैसा नहीं बनाया है, ब्रिज की डिजाइन ऐसी है कि भाई जो पिलर्स दिए हुए हैं ना उसके बीच में अच्छा खासा गैप छोड़ा है, ताकि बोट्स या जो स्टीमर्स हैं वो भी आसानी से जा सके, यानी कि जमीन पे तो घेरेगा ही घेरेगा, पानी पे भी घेरने की इसकी मंशा है, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ बैंक को इसने कनेक्ट किया है,
और वही है कि पहली जो इमेज है वो जनवरी में सामने आई थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, और पिछले 60 सालों से इसको इलीगली, भाई ये पूरे ही कैलाश मानसरोवर हमारा है ना भाई, वैसे तो तिब्बत का, लेकिन तिब्बत भी तो इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है चाइना ने। देखिए चाइना कुछ भी कर ले वो हारेगा, 100 में से 100 बार वो हारेगा, क्योंकि चाइनीज आर नॉट वॉरियर्स, ये वॉरियर थे ही नहीं कभी, चाइना हमेशा हारा है, चाइना कोई भी युद्ध नहीं जीता, 1962 भी हम जीते, कुछ गलतियां हुई उसके बाद हमने हमेशा हराया है, चाइना चाइनीज आर नॉट मेंट टू बी वॉरियर्स, वो वॉरियर्स नहीं है, है ना। आप समझिए कि एक एक जवान जो है हमारा 20-20 चाइनीज पे अकेला भारी पड़ जाएगा। बैटल ऑफ रिजांगला देखिएगा, मैंने उस पर शैतान सिंह क्या शानदार, उन्होंने मतलब 120 की टुकड़ी इतनी बड़ी चाइनीज सेना पे भारी पड़ गई थी। तो अरिंदम बागची ने बोला है कि भाई देखिए भारत ने इस तरीके का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था, अब ये एडवांस्ड स्टेज में आ चुका है, यहां पे कॉलम बीम सब लगा दिए गए हैं, ठीक है, और ये एडवांस्ड रेंज में आ चुका है, और ये फर्स्ट ब्रिज पे जब आप देखोगे ना तो ये साफ साफ विजिबल है, सेकंड ब्रिज आपको दिखेगा पैरेलल है ना उसके, और वही ये गैप्स भी दिए गए हैं ताकि बोट वोट सब आ सके, अब ये देख ही सकते हो, ठीक है, ये तो फिंगर 8 करंट बफर जोन है, अगर आप देख सकते हो कि ये करंट ये वाला, ये छोटी छोटी जो पहाड़ियां है ना फिंगर जिनको बोलते हैं, क्योंकि LAC भाई बार बार भारत बोलता है कि LAC को डिमार्केट करो, जैसे LOC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत की, तो वो प्रॉपरली उसमें फेंसिंग है, ठीक है, ये एरिया तुम्हारा, ये एरिया हमारा है, इसमें मार्किंग है, लेकिन LAC में ऐसी कोई मार्किंग नहीं है, जो ज्योग्राफिकल एरियाज है ना उसी को ही हमने बॉर्डर मान लिया है, अब उसमें तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। सेम प्रॉब्लम आई थी भारत की, जो भारत और नेपाल का काली रिवर पे, भारत उसमें भी एक नदी के उस पार वाला एरिया तुम्हारा, इस पार वाला एरिया हमारा, ज्योग्राफिकल मार्किंग्स तब सही रहती हैं जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो दोनों देशों में, कोई इशू नहीं है, जैसे यूरोप में अगर आप देखो तो वहां पे कोई बाउंड्री है ही नहीं, लेकिन चीन जैसा देश जो है उसके साथ ये सही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाइना कभी भी LAC को प्रॉपर नहीं बनाएगा, क्योंकि फिर वो अपनी लेवरेज खो देगा, चाइना क्या करता है वो आगे बढ़ता जाएगा, और अगर आपने उसको नहीं रोका वहां पर, अगर नहीं स्टॉप किया तो चाइना वहीं पर ही पूरा अपना टेंट बना के बैठ जाएगा और काम करना शुरू कर देगा, तो ये बड़ी डेंजरस स्ट्रैटेजी रहती है चाइना की। ओके, तो ये चीज है, पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है ये। तो जो दोनों ब्रिज हैं, दे आर लोकेटेड अक्रॉस नैरो सेक्शन ऑफ द 124 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रैटेजिक लेक, और वैसे भी दोस्तों ये जो पूरा एरिया है ना, हिमालयन रेंज है, कोर हिमालयन रेंज है, पुल बनाना रोड बनाना इतना सही नहीं है, इकोलॉजी को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। तो भाई अभी इनके जो PLA है वो नॉर्थ साइड में, और साउथ में इन्होंने पूरा नॉर्थ साइड को जोड़ने वाला एक पूरा का पूरा ब्रिज बना लिया, और वही है कि डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, इस तरीके से पूरा का पूरा काम चल रहा है, डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, और आसानी से चाइनीज ट्रूप्स जो हैं वो मोबिलाइज हो सकते हैं। तो ये नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक, ये पूरी की पूरी सैटेलाइट पिक्चर जब ली गई थी तो इन दोनों को कनेक्ट करते हुए इस ब्रिज को बनाया गया है। तो वही है कि मल्टीपल रूट्स निकलेंगे यहाँ पे भाई। अर्लियर ब्रिज जो है भाई लाइटर व्हीकल्स या खाली सेना के लिए छोटा था ना, लेकिन ये वाला ब्रिज बड़ा है, आप कुछ भी यहां से ले जा सकते हो, S-400 भी उठा के यहां पे ले जा सकते हो, ठीक है ना, तो इट इज क्वाइट वाइडर। और वही है, ये ब्रिज का एक ही एम है, गड़बड़ करना, गड़बड़ करेगा चाइना, हमला करेगा, ये आज नहीं तो कल होगा। भारत क्या कर रहा है, देखिए मल्टीपल काउंटर कुछ भी हो जाए, इतनी बुरी तरीके से पिटा है चाइना कि उसको पता है कि अगर हमने ब्रिज नहीं बनाया, ये पॉइंट्स को सिक्योर नहीं किया, तो हम फिर से पिटेंगे। लेकिन भारत जो है, भारत भी लगातार रोड्स बना रहा है, रेलवे लाइंस बना रहा है, भारत चाइना से तेज काम कर रहा है, ये एक तरीके से टग ऑफ वॉर है कि पहले कौन जीतेगा, तो उसमें ड्रॉ ही होगा, क्योंकि भाई इधर चाइना अगर हमला करेगा तो भारत भी हमला करेगा, तो किसी को कुछ खास हासिल नहीं होगा। वैसे भी टू फ्रंट वॉर्स निपटने के लिए हम तैयार हैं, भारतीय सेना ने ये कई बार बोला है। तो ब्रिजेज जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सीरीज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइनीज ईस्टर्न लद्दाख में बिल्ड कर रहे हैं। अब ये जो नया कंस्ट्रक्शन है चाइना के PLA का, वही है कि मल्टीपल रूट्स निकाले जाए ताकि काउंटर किया जाए। बाकी भी चाइना इस रीजन में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, समझ लीजिए पूरा बिगाड़ के रख दिया है, रोड, नए रोड्स, ब्रिजेस, बेसेस, एयर स्ट्रिप्स, ये सब बना रहा है, लैंडिंग बेसेस, और ध्यान दीजिएगा ये सब डिस्प्यूटेड है, ये सब इलीगली ऑक्यूपाई किया गया, और किसी देश की कोई हिम्मत नहीं है कि इनको कुछ बोल दे, ठीक है, ये तो भारत है लगातार इनको काउंटर करता रहता है। खैर अब वही है कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, हम भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, और 100 प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए, 100 से ज्यादा,
जो चाइना कर रहा है उससे दुगना हम कर रहे हैं कि आ जाओ बेटा देख लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी ना कर दी तो बताना। और भारत ने भी अपनी जो सर्वेलांस है वो काफी इंप्रूव की है, 3,500 किलोमीटर की बाउंड्री है ना, और हम भी एयर स्ट्रिप्स और लैंडिंग एरियाज बना रहे हैं। और ये पूरा का पूरा एक छोटा सा जो स्टोरी रही है 2020 से लेकर अभी तक क्या हुआ, आराम से आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सबसे बेस्ट मैं पीपीटी आपको दे ही दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये लेक्चर था, हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें भाई। देखो लाइव क्लासेस शुरू होने वाले हैं, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ सर जो हैं उन्होंने बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है, वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं भाई, पूरा विजुअल इफेक्ट और सब कुछ बहुत बढ़िया वीडियोज़ बनाते हैं, तो उनके वीडियो ज़रूर देखा करो। थैंक यू सो मच।